सत श्री अकाल जी। सब तो पहला सी जी सी झंझेड़ी वालों सारे नु विसाखी दियां लख लख बधाइयां। अज इस शुभ दिहाड़े ते साडे विचकार आए ने पंजाब दे मशहूर लोक गायक मुहम्मद सदीक साहब। सत श्री अकाल सर। सर सब तो पहला मैं जानना चाहूँगी कि जो तुसीं आपदा सिंगिंग करियर स्टार्ट किया, बहुत पुरानी गल है, 40 साल तो भी तो टाइम हो गया सर, असी अज भी जानना चाहवांगे किदां सोचा कि तुसीं सिंगिंग वल आउणा है, की किस चीज़ ने तुहानूं इन्ना प्रेरित किया? सब तो पहला तां मैं इस प्रोग्राम दे देखण वाले नूं और सुन वाले नूं अपने वल्लों विसाखी दियां लख लख मुबारकबाद पेश करदा। ये वो शुभ दिन है जिस दिन कहा गया सीगा कि प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। ये शुभ दिन साढ़े कल्ले फसलों की खुशियां का दिन नहीं है, साड़िया धार्मिक आस्थावान ये नाल बहुत जुड़िया हुई ने, तो मैं समझदा एक इतिहासक दिन है। अज के दिन से सारे देखने वाले और सुन वाले मेरे वालों बीबी सुरजीत कौर जी वालों बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। दूजा आप जी ने पूछा है कि मैं इस लाइन के किमें स्टार्ट किया, दरअसल जब मैं स्कूल पढ़ता सी उस वे शनिचरवार को जो इकबाल सभा होंगी सी उदो साढ़े जोड़े मास्टर जी होंगे सके वो कई बार कह देंगे सके यार थोड़े बच्चे कोई गीत सुनावे तो वो मैं भी उठ के खड़ा हो जाता सी, तो जो मैं एक दो बारी गाया उस तो मगरों मैनू बहुत ही हलाशेरी मिली, बहुत ही थापड़ा मिलया अपने टीचर्स वालों, तो हौली 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 अगे कदम बधाई है तो आ दिन आ गया जी। सानू वधिया गायक मिल गए। सर मैं जानना चाहूँगी जिस टाइम तुसी सिंगिंग करते सी, आज दे टाइम तो बहुत वधिया टेक्नोलॉजी है, बहुत नवीं नवीं चीज़ा आ गई, सिंगर्स लिए सिंगिंग करनी बहुत ही सौखी हो गई है, पर उस टाइम सर थोनू कीड़िया मुश्किलों का सामना करना पैदा सी अपनी सिंगिंग के दौरान? मैं बीबा गल तो बहुत लंबी चौड़ी है, जे यू आप विस्थार कर लगीए तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं इन्ना जरूर कहूँगा भी पहला मेहनत करनी पैंती सी, हूँ मेहनत की लोड़ नहीं है, हूँ जो इंजीनियर है रिकॉर्डिस्ट है वो सिरदर्दी है, उन्हें की करना की नहीं करना, मेहनत जी करते रियाज जरा करते जोड़ा असी संगीत तड़के सवेरे उठ के, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जी मेहनत सी ना वो तो बिल्कुल गायब हो गई है। हाँ टेक्नोलॉजी रह गई है वो लोग सिंगर बन रहे हैं, ठीक है वधिया, जैसा समय है वैसा बंदे बन जाना चाहिए। सर थोड़े बहुत गाने ने जोड़े अज भी बहुत पसंद किए जाते हैं, 100 का नोट हो गया, टैलीविजन हो गया, मित्रां दा ढाबा हो गया, सर इन्ने सारे गाने जो थोड़े दिल के करीब केड़ा गाना सर, उदियाँ 2 लाइनां हो जाए सी जी सी वाले लिए? नहीं दरअसल बीबा गल ये है बी आर्टिस्ट तो सारे गाने वो पुत्रा समान होंगे ने, बिल्कुल बच्चों समान, उन्हें सारे गीतों ही प्यार किया, सारे गीतों ही तैयार किया, क्योंकि जो सू कोई गीत मिलता सब तो पहला मैं अपने दिल की गल दसदा, सब तो पहले मैं ये सोचता यह देखता गीत विच मेरे स्रोतियां दे सुनने वास्ते मेरे स्रोतियां दे कुछ मनपसंद की कोई चीज़ है कि नहीं है, जे मेरे स्रोतियां दे मनपसंद की चीज़ नहीं है वो चाहे किसी शायर की किसी कवि की किसी की भी लिखी हो उन्हें मैं तो पढ़ लूँगा, लेकिन मैं पब्लिक के सामने पेश नहीं करूँगा, वो मेरी अपनी पसंद हो सकती है पब्लिक की पसंद नहीं है, मैं जो गाया वो पब्लिक की पसंद नाल गाया, सारे गीत मेरी अपनी पसंद तो बाहर ने और वो पब्लिक की पसंद से नहीं। चलो साडे लिए केड़ा गाना होगा फिर नहीं देखो गल है मैं 2 बोल देना, प्रगटियो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, प्रगटियो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, परगटियो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, परगटियो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला जी 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 बहुत एप्रोप्रिएट है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो तो पंजाब अजकल वेस्टर्नाइजेशन बहुत हो गया, लोग आपके कल्चर नू आपके सभ्याचार नू भुलते जा रहे हैं, ठीक है, सी जी सी झंझेड़ी ने उपराला चक्या एक मेला लाउन दा, तुसीं इहदे की कहना चाहोगे इहोजीआं कोशिशां दे? मैनूं इह अच्छा लग्गिआ, असीं अपने जिहड़ी साडी नवीं जनरेशन है नवीं पौंग है जिहड़े साडे बच्चे ने असीं उहनां नूं दस रहे हां बई साडा सभ्याचार की सी, साडे रीति रिवाज की सन, साडे उठण बैठ दी जगह कीहड़ी सी, जां साडे ब्याह शादियां विच असी की करते सी की नहीं करते, क्योंकि उस वेले मनोरंजन वास्ते ना कोई रेडियो सी ना कोई टैलीविजन सी ना ही ये कोई जिहड़े अजकल वट्सअप वगैरह चलते ने जे जो आया हुआ तुहाडे हाथ विच मोबाइल दे विच ये कुछ भी नहीं सीगा, लेकिन असी अपने आप च ही
ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਸੀ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਜੇਠ ਭਰਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਦਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ